रायगढ़ में दिनों दिन बढ़ती जा रही बाइक चोरी की घटनाओं को संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक दीपक झा के मार्गदर्शन में बनी टीम ने बाइक चोरों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरी के बाइक समेत दो साथी चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। निरंतर बाइक चोरी की बढ़ती घटनाओं को संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक दीपक झा के मार्गदर्शन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश राठौर के नेतृत्व में जुटमिल चौकी प्रभारी अंजना केरकेट्टा एंड टीम ने बाइक चोरों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए और चोरी के बाइक समेत दो साथी चोरों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। आपको बता दें कि झारसुगड़ा निवासी राजीव पटेल व नारायण सेठ के द्वारा 8 मोटरसाइकिल चोरी कर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर 15,000 से 20,000 रुपये कीमत में गाड़ियों को बेच देते थे। पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि बंझिनपाली निवासी राजीव पटेल चोरी का मोटरसाइकिल चला रहा है। संदेही राजीव पटेल को हिरासत में लेकर चोरी की गई मोटरसाइकिल के बारे में कड़ाई से पूछताछ किए जाने पर उसने अपना जुर्म कबूल किया व इस कार्य में नारायण सेठ का भी संलिप्त होना कबूल किया। जब्त किए गए 8 मोटरसाइकिलों में सारी गाड़ियां हीरो होंडा कंपनी के हैं। दोनों आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। उक्त कार्रवाई में जुटमिल चौकी प्रभारी अंजना केरकेट्टा उप निरीक्षक एवं उनकी टीम की अहम भूमिका रही। आपको बता दें कि चौकी के टीम द्वारा कड़ी मेहनत व सोशल पुलिसिंग के साथ दूसरे राज्य में जाकर आरोपियों तक पहुंच पाए हैं। गाड़ी चोरी के संबंध में कई ठो रिपोर्ट आ रही थी तो हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक CSP साहब के मार्गदर्शन में चौकी जुटमिल के प्रभारी श्री अंजना केरकेट्टा निरीक्षक के द्वारा अथक प्रयत्न करके बाइक चोरी करने वालों को पकड़ के लेके आए हैं उड़ीसा क्षेत्र के रहने वाले और कई ठो बाइक चोरी यहाँ की है। कुल कितनी बाइक बरामद हुई है सर? अभी 8 बाइक बरामद हुई है। ये गिरोह पहले भी सक्रिय रह चुका है कि इस तरह के कार्यों में? अब पहले का तो अब उतनी जानकारी नहीं है लेकिन ये चोर किस्म के तो व्यक्ति हैं। कहाँ के रहने वाले हैं ये बाइक चोर लोग? ये उड़ीसा क्षेत्र के हैं बरकेला के। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट ACN 24।